भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने धमोह के बस स्टैंड पहुंचकर वहां पर व्याप्त गंदगी को लेकर रोष व्यक्त किया है। इन लोगों का कहना था, बीते कुछ दिनों में धमोह को देश का सबसे गंदा शहर बताया गया था और वही हालत आज भी नजर आ रही है। संक्रमण काल के दौरान लचर रही व्यवस्थाओं के कारण अब बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसको साफ करने वाला कोई नहीं है, जबकि नगरपालिका प्रशासन द्वारा यहां पर साफ सफाई की जानी चाहिए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पदाधिकारियों का कहना था, नगरपालिका प्रशासन की मनमानी और लापरवाही का नतीजा है जिले और दूसरे जिले से आने वाले लोगों को बस स्टैंड पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वही दमोह बस स्टैंड की छवि और दमोह की छवि भी पूरे क्षेत्र में खराब हो रही है। ऐसे हालात में तत्काल ही कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा पार्टी स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बस स्टैंड पे कोई सफाई नहीं है और राजनेता बड़ी बड़ी बातें मारते हैं कि हम लोगों ने यहाँ सफाई की, यह काम किया, लेकिन आप लोग भी देखते हो कहीं कोई सफाई नहीं, कचड़े के ढेर लगे हुए हैं। बस स्टैंड पे टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, बहनें आकर के बस के साइड में बैठ के टॉयलेट के लिए जाती हैं। यहाँ जो पुराने पुरातत्व टॉयलेट बने हुए भी हैं तो वो टूट चुके हैं, लेकिन वहाँ ना कोई मरम्मत की जाती है, ना कोई सफाई की जाती है, और कई ऐसे गड्ढे हैं कि यहाँ बरसात में बहनें आती हैं तो बरसात में गड्ढा समझ में नहीं आते, उसमें गिर जाती हैं, उसकी भी कोई परवाह नहीं है। जिला का स्टैंड है और दमोह जिले के लिए बोलते हैं बहुत साफ स्वच्छ, लेकिन करते कुछ नहीं है। बड़े बड़े होर्डिंग फ्लैक्स लगा दिए जाते हैं कि हमारा दमोह स्वच्छ, भारत स्वच्छ, लेकिन किसी भी प्रकार से स्वच्छ ताकि और ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं। हम लोग उनका उद्देश्य है कि अगर आप देश में यहाँ सफाई की व्यवस्था के लिए मुख्य प्रधानमंत्री महोदय जी ने आज के दो साल पहले दमोह को सबसे गंदा शहर बताया गया था और उसमें लाखों करोड़ों रुपया दमोह के लिए आए और दमोह की कहा कि दमोह अच्छी फिर से स्वच्छ बन जाए, लेकिन आज फिर वही हाल है। दमोह का कोई सुधार नहीं है। मैं यही निवेदन चाहता हूँ, शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि दमोह को जिस प्रकार आज दूसरे शहर स्वच्छ होते हैं उसी प्रकार दमोह शहर स्वच्छ हो, और यहाँ पर जितनी बीमारियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा हमारे दमोह में बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि गंदगी के कारण होती हैं। जी, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका है जो हमारे भारत का जो स्वच्छ भारत अभियान, वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे दमोह जिला में जो नगर पालिका द्वारा यहाँ उनकी देखने को मिल रहा है, जगह तगह बस स्टैंड पर कचड़ा के ढेर लगे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं, इतनी गंदगी यहाँ पर मची हुई है बहुत ज़्यादा। ना महिलाओं को यहाँ फ्रेश होने के लिए कोई जगह है, खुले में सभी लोग बाथरूम करते हैं, माताएं बहनें सभी लोग यहाँ रहती है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, पैदल चलने की तक व्यवस्था नहीं है। यदि बरसात हो जाती है, यदि 15 मिनट भी बरसात हो जाती है तो पैदल चलने की भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। लड़के बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ बैठने की व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ यदि कुछ व्यवस्था है तो गंदगी की।